तो भाई कुमार विश्वास ने एक बात तो सही बोली कि बड़ा अजीब प्राइम मिनिस्टर है, डुबकी हमारे समुद्र में लगाता है लेकिन डूब पड़ोसी जाता है। जी हाँ, हम सभी को याद है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के लक्षद्वीप विजिट के बाद किस तरह से भारत के खिलाफ हेट सर्व करने की कोशिश की गई थी मालदीव के कुछ अधिकारियों, कुछ मिनिस्टर्स और वहां के आम लोगों की तरफ से। लेकिन इसके बाद इनको तगड़ा पलटवार देखने के लिए मिलता है। भारत के बॉलीवुड वाले लोग हों, हमारी और आपकी तरह आम लोग हों, या फिर हमारे इंडस्ट्रियल्स हों, या फिर हमारी लीडरशिप हो, इन सभी ने जिस हिसाब से मालदीव को रिप्लाई किया, एक्चुअली इन लोगों की दुनिया हिल गई थी। एक तो बायकॉट हुआ, इनको उसके पीछे बहुत सारे लॉसेस हुए। हमारे बॉलीवुड के स्टार्स और क्रिकेटर्स की तरफ से अलग से बायकॉट किया गया, कई सारी फिल्मों की जो शूटिंग वगैरह मालदीव में होनी थी वो रोक दी गई। इसके अलावा हमारे कई सारे इंडस्ट्रियल जिसमें टाटा ग्रुप प्रमुख है, इन्होंने कमिटमेंट करके ये कहा कि ताज ब्रांड के 2 होटल्स जो कि बड़े ही भव्य होंगे वो लक्षद्वीप में बनाए जाएंगे, जिससे कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा मिले और भारत के टूरिस्ट अब मालदीव न जाते हुए लक्षद्वीप ही जाएं। और भारतीय लोगों में भी क्रेज देखने के लिए मिला। मार्च अप्रैल तक पूरा लक्षद्वीप बुक हो चुका है, भारी मात्रा में सैलानी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। हालांकि अभी भी यहाँ पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, लेकिन उस बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट द्वारा कमिटमेंट किया गया था, जिसमें कुछ चीजें ऐसी थी कि यहाँ पर पेयजल की सुविधा हो, सड़कों का जाल यहाँ पर बिछाया जाए। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी परेशानी थी वो थी कनेक्टिविटी, यानी जल मार्ग से भी लक्षद्वीप पहुंचा जाए इसकी सुविधा की जाए, और इसी के साथ साथ हवाई मार्ग से भी लक्षद्वीप तक पहुंचा जाए आसानी से, भारत के किसी भी कोने से इसकी सुविधा की जाए। तो बताया जा रहा है कि अब इसको लेकर सारे प्रोजेक्ट शुरू कर दिए गए हैं और इसके लिए शुरुआत में ही 3600 करोड़ रुपए आवंटित भी कर दिए गए हैं। तो इसके अनुसार हमारी प्लानिंग ये है कि कुछ एयरपोर्ट वगैरह यहाँ पर डेवलप किए जाएं, जिससे कि पूरे भारत की कनेक्टिविटी जोड़ी जा सके। इसी के साथ साथ इन एयरपोर्ट्स का डुअल पर्पस से इस्तेमाल किया जा सके, यानी सिविलियन पर्पस से भी और इसके साथ साथ मिलिट्री पर्पस से भी। और इसको लेकर भारतीय नौसेना द्वारा काफी समय पहले ही सजेस्ट कर दिया गया था, मौका बस नहीं मिल रहा था, तो वो मौका अब मिल गया है। यानी ऐसे एयरपोर्ट तैयार किए जाएं जहां पर हमारे मिलिट्री एयरक्राफ्ट भी बड़ी आसानी से टेक ऑफ और लैंडिंग कर सके, फिर मैरीटाइम पेट्रोलिंग के लिए PA-8 विमान जैसे हो, इसके अलावा हमारे एवॉक्स प्लेन वगैरह हो, हमारे फाइटर जेट वगैरह हो, जिसमें अभी MiG-29K हमारे पास हैं, आने वाले समय में Rafale-M होंगे, उसके बाद हमारे TED-BF वगैरह होंगे, इसके अलावा LCA नेवी है, तो इस तरह के विमान वगैरह यहां से टेक ऑफ और लैंडिंग कर सके, इसकी प्रॉपर सुविधा की जाए। इसके अलावा यहां पर एयर डिफेंस सिस्टम वगैरह की भी तैनाती की जाए, हमारे कोस्ट गार्ड का भी यहां पर आना जाना हो, इन सारी चीजों को इंक्लूड किया जाएगा। इसके साथ साथ यहां पर बंदरगाह बताया जा रहा है कि डेवलप किए जाएंगे, जिससे कि व्यापार भी हमारा हो सके और इसके अलावा जल मार्ग से भी लक्षद्वीप तक पहुंचा जा सके। तो ये टूरिज्म के साथ साथ हमारे व्यापार को भी एक बूस्ट देने का काम करेगा। बताया जा रहा है कि छोटे बड़े कुल 36 आइलैंड्स के लिए कुल 13 परियोजनाएं शुरू की गई है, जिसके तहत 32 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में डेवलपमेंट का काम किया जाएगा, जो कि अरब सागर में हमारे केरला तट से 220 से लेकर 240 किलोमीटर दूरी पर स्थित होगा। इसमें कनेक्टिविटी, बंदरगाह, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि टूरिज्म के लिए जरूरी होता है, इन सभी फैसिलिटीज को यहाँ पर तैयार किया जाएगा। और ये सारी बातें अंतरिम बजट 2024 को पेश करते हुए पार्लियामेंट में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा कहा गया। चूंकि हम जानते हैं कि लक्षद्वीप में जितने भी आइलैंड्स हैं, ये सारे अभी तक अनएक्सप्लोर्ड हैं, और बताया जाता है कि यहाँ पर क्रिस्टल क्लियर वाटर मौजूद है, यानी ऐसे आइलैंड्स हैं जो कि वर्ल्ड क्लास हैं। भारत के ही नहीं बल्कि विदेशी टूरिज्म के लिए भी ये एक आकर्षण का केंद्र बन सकता है। अब इनकी साज सज्जा शुरू की जाएगी, यहाँ पर सुंदर तट बनाए जाएंगे, जिनमें शुरुआती तौर पर कवरत्ती, अग्गाती, अंद्रोथ, कदामत और कल्पेनी आइलैंड शामिल किए जाएंगे। इसके साथ साथ अब एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जब गवर्नमेंट बेसिक चीजें यहाँ पर डेवलप कर देगी, जिसमें कनेक्टिविटी प्रमुख है, उसके बाद होगा ये कि जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं जो कि टूरिज्म सेक्टर से जुड़ी हुई है, रिसोर्ट वगैरह से जुड़ी हुई है, जिसमें टाटा को ही आप एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं, ये कंपनियां और ज्यादा इन्फ्लुएंस होंगी यहाँ पर और ज्यादा बड़े स्केल पर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। यानी किसी भी क्षेत्र का डेवलपमेंट तभी संभव हो पाएगा जब वहां पर पहुंच होगी और ज्यादातर लोग वहां पर जाना पसंद करेंगे, तभी ना उनके रहने के लिए, उनके खाने के लिए, उनके घूमने के लिए या अदर एंटरटेनमेंट के लिए वहां पर फैसिलिटीज तैयार की जाएंगी। तो उन्हीं सब के ऊपर फोकस इस समय भारतीय गवर्नमेंट का है, ताकि भारत का टूरिज्म वाला पैसा जो कि बहुत बड़ी मात्रा में विदेशों में चले जाता है वो यहीं पर रहे। इसके साथ साथ विदेशी टूरिस्ट भी यहां पर आकर भारत की इकोनॉमी में और बड़ा सहयोग दे पाए। हालांकि मैं आपको आज ही बता दूं कि ये परियोजनाएं जैसे ही अब शुरू करने की बात कही गई है, अब धीरे धीरे करके एक के बाद एक बिल से कई सारे कालनेमी निकलने शुरू
हो जाएंगे और इसके कुछ इम्पैक्ट भी देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें ये कहा जाएगा कि देखिए ऐसा करके यहाँ की संस्कृति को ख़राब किया जा रहा है, यहाँ पर प्रदूषण फैलाया जा रहा है एंड इस तरह की कई सारी चीज़ें आपको देखने सुनने के लिए मिलेंगी। लेकिन इन फालतू की बातों के ऊपर ध्यान न देते हुए डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दिया जाए, ये समय हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन इन सारी चीज़ों के बाद मालदीव का पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाना हर हाल में तय है। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।